शायद अलविदा बोलना आसान है, मगर किसी को छोड़ना नहीं। भला किसी को छोड़ा कैसे जाता है? मैंने कितने साल गुजार दिए चीजें समझने की कोशिश में। हर बात की शुरुआत उस सुबह में मिलती है। उस दिन चमकती धूप से भी ज्यादा तेज चमक रहा था विक्रम, और शायद उससे भी तेज चमकी थी वो आंखें। और मैं तो उस दिन से पहले किसी और का बनाया हुआ बस एक धागा था, जिसे दो खूबसूरत लोगों ने अपने बीच बांध लिया था। उस दिन से महज में एक धागा नहीं रह गया था, मैं उन दोनों की दोस्ती का सबूत था। अजीब सी अकड़ने आज के दिन में, एक अजीब सी थकान, मुझे वो एक आखिरी बार की तड़प एक दूसरे को पकड़े रहने में दिख रही है। जो देखना बच गया और जो देख लिया है, कि बीच हमारी कहानी गुजरती है। जैसे मैंने ना दोनों को काम बांटते देखा है, एक को बाहर की दुनिया से तो दूसरे को भीतर की गहराइयों से लड़ते हुए देखा है। दोनों को जिंदगी की दौड़ में साथ चलते देखा है। पूरी दुनिया को छोड़ जितना उतना की जंग में हमेशा खुश देखा है। दोनों का तीसरों पर भरोसा देखा है। और हजारों तीसरों में इंसानियत का गलता चेहरा भी देखा है। दोनों को सात कानों पर झूमते देखा है, तो हवाओं की चीखों के बीच किसी के हाथ से गाया गाना किसी के कान में बरसते देखा है। दोनों को एक दूसरे का साथ ऐसे भी निभाते देखा है, एक दूसरे को भरपेट खिलाते तो कभी रात की बची नींद को साथ चुराते देखा है। दो लोग साथ में कितना कुछ जी लेते हैं ना। उस जिए हुए में थोड़ी सी कहानी होती है, थोड़ा सफर होता है और थोड़ी खामोशी। और आज इस कहानी के सफर में छुपी खामोशी की आखिरी सड़क पर दुनिया के चलने की रफ्तार केवल मुझे क्यों तेज महसूस हो रही है? भला इतनी खूबसूरत बात का अंत इतना बेमतलब कैसे हो सकता है? या शायद ये बेमतलब है ही नहीं। शायद चलते रहना ही हर जीवन की नीति है। राहों के बदलने से साथ चलना रुक सकता है, मगर साथ का अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा। तो ठीक ही है, सब ठीक ही होगा, मैं भी ठीक ही होऊंगा ना।